तो हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं इस वक्त जेपी का, जो काशी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेपी, तैयारी कैसी है वो आपने बताया, तस्वीर वहां से आपने दिखाई, जो कि ग्राउंड जीरो पर इस वक्त आप मौजूद हैं। काशी के समीकरणों को अगर हम देखें शहर की सरकार को लेकर, तो क्या तस्वीर वहां से नजर आती है? बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, अगर हम बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी काफी महत्वपूर्ण जिला है। जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, और विधानसभा चुनाव की बात करें तो 9 सीटें थी और बीजेपी यहां 9 की 9 सीटें जीतती थी 2022 में। और मेयर पद की बात करें तो 1995 से यहां पर बीजेपी का कब्जा है, तो बीजेपी इस जीत को बरकरार रखने के लिए पूरी कोशिश में लगी हुई है। अगर हम बात करें मंत्रियों की, बात करें विधायकों की, बात करें सभी ने यहां बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया है। हालांकि देखिए यहां पर उम्मीदवार बदला है, लेकिन बीजेपी को भरोसा है, जिस तरह बनारस के अंदर काम किया है, जिस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, उसके दम पर उसको लग रहा है कि बीजेपी का कमाल फिर से यहां पर खिल पाएगा। लेकिन विपक्षी भी आपको बता दें कि लगातार बीजेपी को यहां घेरने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे बीएसपी की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें या हम कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी भी यहां दमखम दिखा रही है। विपक्षी दलों की तरफ से देखिए यहां पर जो थोड़ी सी बारिश हो जाती है, बारिश के बाद यहां पर व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती है, जल भराव की स्थिति हो जाती है, अतिक्रमण का मुद्दा भी यहां पर विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। हालांकि गंगा की सफाई का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी को अपने विकास कामों पर भरोसा है कि उनके मेयर रहते हुए, उनके बीजेपी के मेयर ने यहां पर काफी काम किया है। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और देखिए आकांक्षा, अगर हम यहां के सियासी समीकरण वाराणसी की बात करें या पूरे हम यूपी की बात करें, तो यह मुकाबला बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2022 में आपने देखा योगी सरकार फिर से बनी, 2023 में आप देखिए निकाय चुनाव हो रहा है, फिर 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जाना है। इसलिए कहीं ना कहीं 2024 की यहां बीजेपी अपनी जमीन तैयार कर रही है, क्योंकि बीजेपी लोकसभा चुनाव में 80 सीटों का टारगेट लेकर चल रही है। इसलिए आपने देखा सीएम योगी लगातार ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, और ये सरकार बनी, यही अपील जेपी जनता से सीएम योगी कर रहे हैं। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है ये चुनाव, क्योंकि ये चुनाव बताएगा लोकसभा चुनाव से पहले कि जनता का मूड क्या है। लेकिन मयूर, अगर देखा जाए तो देखिए अभी तक, जैसा कि हमने शुरू में जिक्र किया, बीजेपी के जो परिणाम रहे हैं शहर की सरकार को लेकर, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, उधर समाजवादी पार्टी भी जीत का दम भर रही है। ऐसा तो नहीं कि चैलेंजिंग होने वाला है इस बार? नहीं, देखिए आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा अभी अस्तित्व उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आता। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस विचारधारा पे, जिस लाइन पर भारतीय जनता पार्टी चलती है, उसी के पीछे आम आदमी पार्टी भी चलती है। तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नारे हैं जो दूसरी पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो, बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, वो उनके नारे दोहराती नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी को देखा गया है कि वो कहीं ना कहीं उनके रास्ते पर, यानी कि जिस कदम पे वो चल रहे हैं, उस कदम पे आम आदमी पार्टी चलती हुई नजर आती है। तो कदम से कदम मिलाने की कोशिश जरूर है भारतीय जनता पार्टी से आम आदमी पार्टी की, लेकिन उस तरीके का फिलहाल प्रचार प्रसार यहां पर नहीं हो रहा है, उस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए प्रचार नहीं हो रहा है। और बहुत ज्यादा अगर हम बात करें तो लोगों के बीच में चर्चा उसको लेकर नहीं है, चर्चा सिर्फ भारतीय जनता और नो डाउट कमल के निशान को लेकर भी काफी ज्यादा बेनिफिट जो भी प्रत्याशी होते हैं उनको मिलता है। लेकिन एक बड़ी बात यहां पर यह है कि हर बार मेयर का जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी का, वो बदल जाता है। तो सवाल समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग यह खड़ा करते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इतने ही मजबूत हैं, इतना अच्छा काम उन्होंने एज अ मेयर लखनऊ में किया है, तो आखिरकार वो प्रत्याशी क्यों बदल देते हैं? तो उनको कहीं ना कहीं जो लाभ है वो योगी लहर की, योगी आदित्यनाथ के प्रचार का लाभ अपने प्रत्याशियों को जरूर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी वापस आपके पास लौटती हूं, लेकिन आपको बता दें कि देखिए नगर निकाय चुनाव में कल प्रयागराज में वोट डाले जाएंगे, एक महापौर, 100 पार्षद और 8 नगर पंचायत के लिए मतदान होगा। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। नगर निकाय चुनाव में संगम नगरी प्रयागराज में कल पहले चरण में मतदान होना है। यहाँ पर महापौर के साथ साथ 100 जो वार्ड हैं, जो पार्षद प्रत्याशी हैं, इनके अलावा 8 नगर पंचायतों में भी कल मतदान होना है। और उसके पहले जो पोलिंग पार्टियां हैं वो आज रवाना की जा रही हैं केपी कॉलेज से। हम इस वक्त मौजूद हैं केपी कॉलेज में ही, जहाँ से तमाम जो पोलिंग पार्टियाँ हैं अलग अलग बूथों के लिए, अलग अलग वार्ड के लिए जो रवाना हो रही हैं, उसके पहले अपने जरूरी जो दस्तावेज होते हैं, जरूरी जो सामग्री होती है उसको
देने के लिए तमाम जो मतदान कर्मी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टेबल नंबर 30 बूथ संख्या 646 से 668 तक के जो लोग हैं वो यहाँ पर अपने जो ज़रूरी दस्तावेज है उसको यहाँ से कलेक्ट करके अपने बूथों के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। कल प्रयागराज में जो मतदान होना है वो महापौर का होना है, पार्षदों का होना है, नगर पंचायतों का होना है। ऐसे में तमाम जो ज़रूरी तैयारियाँ होती हैं प्रशासनिक अमले की तरफ से वो पूरी कर ली गई हैं और सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है। और उसके पहले तमाम जो मतदान कर्मी हैं वो अपने अपने बूथों के लिए रवाना हो रहे हैं। सुरक्षा को लेकर के भी तमाम जो ज़रूरी एहतियाती कदम है वो उठाए जाने हैं। ख़ास करके जो संवेदनशील बूथ हैं वहाँ पर BSF के जवानों की तैनाती होगी, RAF के जवानों की तैनाती होगी। गाजीपुर में कुल 8 नगर निकाय चुनावों में बीजेपी, सपा, बसपा समेत कई प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। गाजीपुर नगर पालिका में सपा भाजपा में सीधी लड़ाई है। गाजीपुर में कल होने वाले मतदान को लेकर जिला प्रशासन तैयारियां पूर्ण कर ली है। पोलिंग पार्टी अपने अपने बूथों तक पहुंच चुकी है। ऐसे में कल के मतदान के लिए तैयारियां चुस्त दुरुस्त कर ली है। हालांकि मतदान कराने के लिए तमाम भारी फोर्स भी मौजूद रहेंगे। जिला प्रशासन की मंशा है कि शांति, सुरक्षा और पारदर्शी तरीके से इस मतदान को संपन्न कराया जा सके। वहीं अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें तो राजनीतिक दल भी अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर काफी सक्रिय हैं। अगर हम गाजीपुर नगर पालिका परिषद की बात करें तो यहां पे माना जा रहा है कि त्रिकोणीय लड़ाई है और जहां त्रिकोणीय लड़ाई जिस नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद में है वहां बीजेपी को फायदा होता नजर आ रहा है। लेकिन जहां सीधे बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर है तो वहां पे कांटे की लड़ाई देखी जा रही है। तो देखिए अलग अलग जिलों से आपको अपडेट दे रहे हैं और इस वक्त दो सहयोगी और हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस वक्त अमरोहा से विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही राजवीर बिजनौर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अमरोहा पहले आपको लिए चलते हैं विनीत के पास। विनीत, क्या तस्वीर अमरोहा से दिख रही है वोटिंग को लेकर, किस तरह की तैयारी? देखिए आपको बताना चाहूंगा कि अमरोहा में प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है वोटिंग को लेकर। यहाँ पर जो है कुल 5 नगर पालिका है अमरोहा में और यहाँ 4 नगर पंचायत हैं और सभी सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से मतदान हो इसके लिए प्रशासन ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, अपने अपने मतदान स्थल पर पहुंच चुकी हैं। कल सुबह 7 बजे से मतदान होगा। अगर अमरोहा जिले की बात करूँ तो अमरोहा जिले में 4,64,600 मतदाता हैं और 464 यहाँ पर मतदान स्थल बनाए गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो जोन बनाए गए हैं वो 12 जोन बनाए गए हैं, 12 जोन में बांटा गया है। जिलाधिकारी अमरोहा के बीके त्रिपाठी और SP आदित्य लांगे सुरक्षा को लेकर के पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैदी दिखा रहे हैं। लगातार यहाँ पर अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च किया जा रहा है और उनका कहना है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, शासन की मंशा के अनुरूप और चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जहाँ तक बात है राजनीतिक पार्टियों की तो राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी भी किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अमरोहा जनपद की 8 जो नगर निकाय की सीटें हैं, 9 नगर निकाय की सीटों में से भाजपा चाहती है कि सब पे उनका परचम लहरे, इसके लिए भाजपा अभी से ही जो है। ठीक है विनीत, मैं वापस अभी आपके पास लौटती हूँ। एक बार राजवीर का रुख कर लेते। राजवीर, आप जरा बताइए बिजनौर से क्या अपडेट, क्या तैयारी वहां पर वोटिंग को लेकर? जी, बिजनौर जिले की अगर बात करें तो बिजनौर जिले में 12 नगर पालिकाएं और 6 नगर पंचायतें हैं जिन पर कल मतदान होना है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मतदान होगा और यहाँ पोलिंग पार्टी आज रवाना कर दी गई है सभी। और मैं आपको बता दूं बिजनौर जिले में लगभग 257 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 927 बूथ बनाए गए हैं जिन पर लगभग 4,000 से 5,000 की संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया जाएगा। इंस्पेक्टर, दरोगा और एडिशनल SP POI वगैरह की ड्यूटी लगा दी गई है। सब अपने अपने क्षेत्र में पहुंच गए हैं और तुरंत बड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर मतदान होगा। और बात करें तो राजनीतिक की बात करें तो यहाँ बीजेपी, सपा और लोकदल में पूरे जिले की बात कर रहे हैं सभी सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार हैं। अभी जो फाइट होगी, अधिक तो फाइट है वो सपा और बीजेपी में देखने को मिल सकती है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज के ऊपर यह क्लियर करेगा कि वोटिंग परसेंटेज कितना होता है। अगर वोटिंग परसेंटेज कम होगा क्योंकि तो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है जिले में, 40% मुस्लिम आबादी है, उसी को देखते हुए अगर वोटिंग परसेंटेज कम रहता है तो कहीं ना कहीं सबके दल को लाभ हो सकता है। अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लाभ हो सकता है। ठीक है राजवीर, आप बने रहिए, वापस मैं अभी आपके पास लौटती हूँ। और